कैप्टन। फिक्र मत करो तुम, वो सिर्फ वॉशरूम तक ही गई है मुराद, कहीं भाग नहीं सकती और वो बगैर बताए कहीं जाएगी नहीं। मैं उसे थोड़ी देख रहा था। मैं तो बस एक दोस्त होने के नाते बता रही थी ये बात। तुम्हारी फिक्र बिल्कुल ठीक है, वाकई में बहुत अजीब लड़का है वो। मैं नोट कर रही थी कि आज वो हयात की हर छोटी बात पर खुश हो रहा था बहुत, और तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है मुराद, तुम समझ रहे हो ना? तुम कहना क्या चाहती हो टोल? देखो हयात एक बहुत अच्छी है, खूबसूरत है और नियत की भी साफ है। वो उसका भरोसा तकरीबन जीत ही चुका है कैप्टन। दूर जा रही है यानी वो हमसे ही दूर ना चली जाए। हमें कुछ करना होगा कैप्टन, हमें बात करनी चाहिए उससे, ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए मुराद। इसकी एक मिसाल है, नाउ और नेवर मुराद, नाउ और नेवर। ओके ओके। और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए मुराद, खुद ही एकदम से आए और इब्राहिम को चैलेंज भी कर दिया, मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। दिल तो चाह रहा है इस बंदर का मुंह नोच लूं। गुस्सा कम करो हयात, याद रखो तुम चाहे अब कुछ भी हो जाए हयात तुम हार बिल्कुल नहीं मानोगी। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हाँ वो तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? बात थोड़ी सी लंबी है। लेकिन मुझे लॉन में वापस जाना है, इब्राहिम मेरा वेट कर रहा है, उसे ये भी तो बताना है कि कौन जीता। तुम नहीं जा सकती। क्या मतलब मैं नहीं जा सकती? क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं जाऊंगी। ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? आप ना तो यहाँ पे मेरे बॉस हैं और ना ही मैं आपके असिस्टेंट हूँ, मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगी। हयात देखो, मैं दोबारा ये बात नहीं कहूँगा, जब एक बार कह दिया कि तुम नहीं जा रही हो तो नहीं जा रही हो। रोक सकते हैं तो रोक ले मुझे। अच्छा तो तुम यही चाहती हो ना, तो चलो फिर ऐसा ही सही। ये क्या बदतमीजी है, मुझे छोड़ दें आप। जब तुम्हें समझा रहा था तो बात समझ में नहीं आई थी ना, अब चीखो जितना चीखना चाहती हो तुम। मुराद नीचे उतारे मुझे, क्या कर रहे हैं ये, क्या पागल हो गए हैं, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पागल हो गया हूँ मैं।